Hello students, good morning, hope you all are very fine. आप सब अच्छे होंगे. आज हम अपना फर्स्ट बुक जो है समकालीन विश्व में राजनीति कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसका सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं, द्विध्रुवीयता का अंत. आपने पहले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई और एक खेमा पूंजीवादी था, एक साम्यवादी, एक अमेरिका उसका नेता था और दूसरे का सोवियत संघ. ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. और एक शीत युद्ध का दौर चला काफ़ी लंबा. उस दौर में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, कई छोटे छोटे युद्ध भी हुए. और उसी में एक और घटना आपने पढ़ी थी कि किस तरह से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक संगठन बना, एक आंदोलन उभर कर आया. ये सारी चीज़ें आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. उसके बाद अब आज हम जो ये सेकंड चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि ये जो द्विध्रुवीय विश्व बना वो कैसे एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया, कैसे इसका एक सबसे मजबूत खेमा जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा, वो खत्म हो गई, उसका पराभव हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें यही रहेगा कि हम ये देखेंगे कि सोवियत संघ आखिर क्या था, उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी साम्यवादी प्रणाली क्या थी और आखिर वो विघटित क्यों हुई. तो हम क्रम से देखते हैं कि साम्यवादी खेमे का विघटन जो है उस सबसे पहले आप उसका परिचय प्राप्त कीजिए कि सोवियत संघ आखिर क्या था. 1917 में बोल्शेविक क्रांति से इसका उदय हुआ था और इसे USSR भी कहते हैं. ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इसको यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक या समाजवादी सोवियत गणराज्य ये कहा जाता था. और ये विचारधारा पूंजीवाद का विरोध करती है, साम्यवाद का समर्थन करती है. और इस सोवियत संघ का जो संघ बना कई राज्यों का मिलकर, इसका विघटन 1991 में हुआ. विघटन तो वन में हुआ परंतु वो विघटन जो है उसकी शुरुआत बर्लिन की दीवार से हुई. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है. मैंने एक पहले के वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन और वहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बीचों बीच शहर के बना दी गई. वो प्रतीक थी कि दुनिया किस तरह से दो भागों में बटी है, एक तरफ पूर्वी जर्मनी और एक तरफ पश्चिमी जर्मनी. पश्चिमी जर्मनी अमेरिका का के समर्थन में था और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ साम्यवाद के पास था. और इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को वहां की आम जनता के द्वारा तोड़ दिया गया. और ये प्रतीक था कि अब साम्यवाद जो है वो खत्म हो रहा है और उसका विरोध लोग करने लगे हैं. तो ये जर्मनी के एकीकरण के साथ ही साम्यवाद के सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो चुकी थी. अब विघटन होने से पहले आपको सोवियत प्रणाली को समझ लेना भी जरूरी है कि आखिर सोवियत प्रणाली थी क्या. जो सोवियत संघ था उसकी कुछ विशेषताएं थी. वहां पर संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, खनिज संपदा बहुत थी, तेल, कच्चा माल जो भी था उसके लिए सोवियत संघ आत्मनिर्भर था. और उन्होंने अपनी एक जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित किया हुआ था कि इतनी इस तरह का जीवन स्तर सभी को मिलेगा. घरेलू जो उद्योग थे उनके वो बहुत समृद्ध थे. समृद्ध से तात्पर्य यहाँ पे उन्नत थे कि वहाँ पर पिन से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ सोवियत संघ में बनाया जाता था और उनको किसी के से कुछ लेने की जरूरत नहीं थी. उत्पादन और वितरण पर सारा का सारा सरकारी स्वामित्व था, यानी सरकार के हाथ में ही सब कुछ था, निजीकरण नहीं था. कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी, एक ही राजनीतिक दल था, उसी का दबदबा था. और वहां पर शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था और वो सभी के लिए सहज उपलब्ध थी. तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई भी कमी हमें नजर नहीं आ रही है ना. परंतु बहुत सारी कमियां भी थी. जब यही सारी बातें आप फोर्सफुली लागू करते हैं तो बहुत सारी कमियां निकल कर सामने आती. तो उन कमियों को देखिए कि क्या कारण था जिसके कारण सोवियत संघ विघटित हो गया. उसमें बहुत सारे दोष थे. उसका पहला दोष ये था
कि वहां पर लोकतंत्र नहीं था, एक ही पार्टी सिस्टम था, किसी को कोई दूसरी पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था, और एक पार्टी होने से, एक ही जैसे अधिकारी होने से वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, निजी संपत्ति पर रोक थी, न्यूनतम जीवन स्तर है परंतु निजी संपत्ति नहीं है, आप एक लिमिट के बाद कोई भी पैसा नहीं रख सकता ना कमा सकता। तो क्या होता है इससे, इससे मोटिवेशन खत्म हो जाता है और प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, गुणवत्ता का अभाव था, सब कुछ वही बन रहा है, वही आपको खरीदना है, व्यापार दूसरे देशों से बहुत कम और लिमिटेड था, तो जो प्रोडक्ट थे वो लिमिटेड प्रोडक्ट मिलते थे, तो गुणवत्ता भी नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, स्वतंत्रता का अभाव था, स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, अभिव्यक्ति तक की स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस सभी कुछ सरकार के नियंत्रण में थे, जैसे उत्पादन और उपभोग के सारे साधन नियंत्रण में है तो प्रेस भी नियंत्रण में थी, आप उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी, इन ऊपर वाली सारी चीजों के चलते क्या हुआ, जब प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत है कि कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन नहीं था वो, और भ्रष्टाचार बढ़ गया, इन सबसे सारी अर्थव्यवस्था वहां पर धीरे धीरे ठप होती चली गई। अब इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ के भीतर ही एक संकट उत्पन्न हो गया, और वहां पे जो 1985 के अंदर मिखाइल गर्बाचोव जो वहां के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कुछ वहां पे उदारवादी नीतियां अपनाई, उन्होंने कोशिश की कि अंदर ही अंदर कुछ सुधार किए जाए और उन सुधारों को इम्प्लीमेंट करके यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जाए। उन्होंने क्या सुधार किए, दो तरह के सुधार, दो नीतियां थी जो जिनको कहा जाता है ग्लास नोस्ट, यानी खुलापन, यानी उन्होंने थोड़ी थोड़ी छूट देनी शुरू की उद्योगों को, प्रेस को, और कुछ स्वतंत्रताएं दी, अधिकार दिए। पेरेस्ट्राइका यानी पुनर्गठन या पुनर्निर्माण करना, यानी जो उद्योग धंधे ठप हो गए थे उनको फिर से जीवित करना। पर अब इसका असर क्या हुआ, इन जो दो नीतियों का असर वहां पर नेगेटिव हुआ, वहां पर इन दो नीतियों के कारण और ज्यादा बगावत फैलने लगी, और जो नए राष्ट्रपति आए इनको हटा दिया गया, और जो नए राष्ट्रपति आए उन्होंने तीन देशों के साथ मिलकर, तीन जो ये राज्य थे, देश नहीं, राज्यों के साथ, गणराज्यों के साथ मिलकर, जिसमें सबसे बड़े थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीन का नेतृत्व किया, और इन तीनों ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और ये समाप्ति का की शुरुआत कहाँ से हो गई थी, हमने पढ़ा था कि बर्लिन की दीवार गिराए जाने से ही इसकी समाप्ति की शुरुआत हो चुकी थी, और इस तरह से सोवियत संघ जो है विघटित हो गया। अब इसके परिणाम क्या निकले, इसके परिणाम जो थे वो आज का जो दौर चल रहा है उस दौर से मिलते हैं, आप वो सब देखेंगे कि सबसे पहला परिणाम क्या हुआ सोवियत संघ के विघटन का, कि शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया, और जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने जो संघ की समाप्ति की घोषणा की उसके साथ ही 15 नए देशों का उदय हुआ, 15 देश नए बन गए। परंतु अब एक समस्या थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा सोवियत संघ का, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना, रूस को ही सुरक्षा परिषद की सीट मिली सोवियत संघ वाली, क्योंकि वो स्थायी सदस्य था ना सोवियत संघ, तो अब रूस जो है वो उसका स्थायी सदस्य बन गया, और रूस को ही परमाणु शक्ति प्राप्त हुई जो कि सोवियत संघ के पास थी। अब इसका एक परिणाम और हुआ कि जब इसका विघटन हो गया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था और लोकतंत्र का बोलबाला हो गया, अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ, और चारों तरफ पूंजीवादी और लोकतांत्रिक सरकारें बनने लगी, और जो साम्यवादी खेमा विघटित हुआ था वो स्वयं भी पूंजीवादी और लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने लगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से सोवियत प्रणाली एक बहुत ही उन्नत उद्योग धंधों वाली प्रणाली थी, समानता के ऊपर आधारित थी, वो पूरा अपने पूरे देश के अंदर सभी लोगों को समानता देना चाहती थी, पर वो सब चीजें फोर्सफुली थी, और बिना लोकतंत्र के समानता चल नहीं सकती, बिना स्वतंत्रता के समानता का कोई मूल्य नहीं है, और बिना समानता के बिना कोई स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है। ये दोनों चीजें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे पर कितना निर्भर होते हैं। तो यहाँ समानता स्थापित करने की कोशिश की गई बिना स्वतंत्रता के, तो इसको खत्म होना ही था इस व्यवस्था को, तो ये सोवियत संघ यहाँ पर विघटित हो गया 1991 में।
और ये जो टॉपिक है ये आपके सेकंड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर प्रश्न बनता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में सिर्फ पॉइंट्स दिखाए हैं, आपको जो मैंने पीडीएफ चैप्टर का भेजूंगी उसमें आपको इसके डिटेल्स भी नोट करने हैं और साथ ही साथ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। तो बड़ा प्रश्न क्या बनता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली के गुण क्या थे, दोष क्या थे और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो विघटन के कारण में उसके दोष आ जाएंगे कि जो उसके दोष थे वही उसके विघटन के कारण थे, और फिर आता है कि उस विघटन के क्या परिणाम निकले, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या नया सीन इसमें इससे हमारे सामने आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का जो आप रेडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें। एक बात मैं बच्चों आप लोगों से कहना चाहूंगी कि निराश ना हो, ये समय जल्दी गुजर जाएगा। और दूसरी एक चीज कि आप सब लोग घरों में हैं अभी, थोड़ा ये संकट जो है ऐसा है कि हर व्यक्ति पर है, कोई एक सिंगल व्यक्ति भी इससे अछूता नहीं है। एक गरीब आदमी से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक संकट में है और सभी इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में बच्चों का एक फर्ज क्या बनता है, बच्चे क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे? एक काम आप कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को परेशान ना कीजिएगा। लॉकडाउन के समय में उनसे कोई ऐसी चीज ना मांगे जो वो आपको लाके ना दे सके। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा और घर के माहौल को बहुत अच्छा बना के रखिए। मिलजुल कर प्यार से रहिए, ये समय शीघ्र ही बीत जाएगा और बहुत अच्छा समय आएगा। थैंक यू, बाय।